चलिए आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही हेल्दी लड्डू का रेसिपी शेयर करती हूँ। ये ठंडी के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ इसमें मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ। ये लड्डू को बना करके आप रखिए स्टोर करके और रोज मॉर्निंग में एक खाइए, बहुत ही फायदेमंद है। तो क्या क्या लिया है मैंने वो दिखाती हूँ आपको। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 kg आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो हम घर में खाते हैं वो आटा है। 250 ग्राम गोंद लिया है, एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी से कम सूजी लिया है रवा, 1/2 कटोरी नारियल का पाउडर, 3 टीस्पून मेथी दाना को मैंने भिगा करके उसे ड्राई करके पीस लिया इस तरह से दरदरा, 1 टीस्पून हल्दी लेंगे, ड्राई फ्रूट से इसमें सभी चीज़ मिक्स है, काजू पिस्ता और बादाम, ये लेकर के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है इसे। सौंठ का पाउडर है, अदरक पाउडर और ये 1/2 kg गुड़ जिसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है ताकि इसे मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। 250 ग्राम डेट्स लिया है खजूर, इंजीर लिया है 200 ग्राम, इसे भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और खजूर को भी मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, थोड़ा सा किशमिश लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। गैस के ऊपर में मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच घी ले रही हूँ। सबसे पहले गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद हमें गोंद को पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। गोंद को फ्राई कर लिया है, इसे निकाल ले रही हूँ और ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। वापस से कढ़ाई को चढ़ा दिया है। गोंद को फ्राई करने के बाद जो घी बचा है उसी घी में ये ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे। 2 टीस्पून व्हाइट तिल डाल ली हूँ, 1 टीस्पून वाटरमेलन सीड, सभी को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं आप। इसमें शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, गुड़ से ही बनाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने फ्राई कर लिया है, इसे निकाल ले रही हूँ। गैस को भी कम कर दे रही हूँ। ज़्यादा बर्तन भी जूठा नहीं करना है, एक ही कढ़ाई में हम सारा चीज़ कर लेंगे। वापस से मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दिया है। 1 और 1/2 बड़ा चम्मच मैं घी ले रही हूँ। घी का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा यूज़ होगा। सबसे पहले ये मेथी दाना का जो पाउडर है इसे फ्राई करूँगी। इसी में हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है इन सब चीज़ को। इसी में मैं सूजी डाल दे रही हूँ, रवा, फ्लेम को मीडियम रखा है। लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है ये। सूजी को भी मैंने थोड़ा सा भून लिया है, तो ये बेसन को डाल दूंगी। बेसन को भी 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, तो ये आटा जो है आटा डाल दूंगी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है। जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसे वैसे सेम करें, आपका भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसी में 1 बड़ा चम्मच और मैं घी यूज़ कर रही हूँ। ये नारियल पाउडर जो है ये भी इसी में डाल दूंगी। जो मेहनत लगता है इसे भूनने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, बाकी कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आराम से बन जाता है। तो इसे मैं इसी तरह से चलाते हुए भून लेती हूँ जब तक इसे अच्छी खुशबू ना आने लगे। सभी चीज़ को अच्छे से मैंने भून लिया है, अच्छी खुशबू आने लगी है, तो गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें गुड़ को डालूंगी, गुड़ को मेल्ट करेंगे और इसे छान लेना है। छानना इसलिए है कि गुड़ के अंदर में बहुत कचरा होता है, जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। सारा गुड़ डाल दिया इसमें और गैस को ऑन कर दिया है। 2 से 3 टीस्पून पानी डाला है, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसे छान ले रही हूँ। गुड़ को छान लिया है, वापस से गुड़ को इसमें डालूंगी। फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है अब। और ये जितना भी खजूर, इंजीर और किशमिश ये सब इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और सभी चीज़ को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। मिक्स कर दिया है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है, तो इसे मैं 5-6 मिनट स्लो फ्लेम पे पका ले रही हूँ। खजूर इंजीर को डाल करके मैंने सॉफ्ट कर लिया है और गैस के फ्लेम को बंद कर लिया है, इसको हल्का सा ठंडा कर लिया। तो चलिए अभी लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। सारा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ये गोंद को जो फ्राई करा था उसका पाउडर बना लिया वो डाल दूंगी और ये गुड़ वाला मिक्सचर। सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ को मिक्स कर दिया है अच्छे से,
तो चलिए लड्डू बांधना स्टार्ट करती हूँ। कितना बड़ा साइज चाहिए लड्डू का आप उस हिसाब से बनाइए। इस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लड्डू बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स क्या करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फातिमा क्रेजी किचन। इसी तरह से मैं सारा लड्डू बना ले रही हूँ। सभी लड्डू को मैंने बना लिया है। तो लीजिए, बन करके रेडी हो चुका है फायदेमंद लड्डू। ट्राई कीजिए आप लोग भी।